अबे तू आ जाना फ्रेम में। आपका बंदर की इंसल्ट कर रहा है। सो गाइस बताओ उसके साथ किसकी शक्ल मैच हो रही है? कुछ नहीं, सेल्फी के अलावा। सो गाइस ये रहा इस मंदिर के आसपास का फॉरेस्ट एरिया, और यहाँ पे पता नहीं हर जगह ये क्यों बांध के रखते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता यार। यहाँ भी बांध रखा है, वहाँ बांध रखा है, मतलब मन्नत है कहीं भी बांध देते हैं क्या? देख रेड कलर का पत्ता, रेड ट्री। अरे ये मेरे घर पे भी है। तेरे घर पे ऐसा कोई चीज़ तो नहीं है? उधर 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 दिखा रहा हूँ वो भी है तेरे घर पे, ये दिखा रहा हूँ वो भी है तेरे घर पे। ये क्या है, शौचालय? देख टंकी, पहाड़ में पहली बार मेरे ऐसा टंकी दिखा मेरे को, वरना हर जगह तो नेचुरल निकलता रहता है पानी। एक मिनट, इसमें ठंडा पानी आता है? ठंडा नॉर्मल। सो गाइस मुझे यहाँ पे एक पार्क दिखा जहाँ पे इंसान और बंदर एक साथ एंजॉय कर रहे हैं, बट हमें वहाँ जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। देखो यहाँ पे ग्रिल लगा रखा है पूरा, और ये पूरा ग्रिल वहाँ से पूरा ग्रिल लगा रखा है, तो लोग जाएंगे कहाँ से, कूद के जाएंगे क्या वहाँ पे? वो लोग गए कैसे? मंदिर के अंदर से तो रास्ता नहीं है, पीछे से। अरे देख वो जा रहे वो दिख जा रहे हैं। आ जा। हाँ वो देख मंदिर के अंदर से ही जा रहे हैं, वो देख वहाँ से निकल रहे हैं वो। ये दरवाजा खुलता है क्या? अब मंदिर के अंदर से जाना पड़ेगा यार, मंदिर तो मैं जाता नहीं यार, क्या होगा अब? यहाँ से निकल तो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे ना हम। तेरा तो पता नहीं, मैं तो निकल जाऊँ शायद। So guys, ये पहुंच चुके हैं हम पार्क में, और यहाँ पे देखो इधर इधर उड़ की कुछ से था कुछ। आ जाओ। आतंक मचा रखा है इन लोगों ने तो। बंदर का तो आँख में नहीं देखने चाहिए, बंदर काट लेता। अदा चाल इन तबाड़े नहीं भलाई। भागोगे तो और पकड़ेगा। बच्चे को डरा दिया रे। तो मेरे को भी डर लग रहा है। आजा। दादा। अरे हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्या लेंगे हमसे? ये हेलमेट ले, हेलमेट लेके हेलमेट ले पहन के घूमेंगे पहाड़ में। और नहीं तो क्या, गिरने का डर। और भाई साहब बढ़िया। मैंने उस टाइम किसी को छेड़ा था। प्रियंका तेरा दोस्त ले जा घर उसको। ये देख छोटू सा क्यूट सा बंदा बैठा है। और छोटे देखता ही नहीं इधर, कोई भाव नहीं दिया इसने मेरे को। अबे ये तो फुल मूड में आ गए, पूरी भयंकर। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, एक तरफ है हिंदुस्तान के तीन सिपाही, देख उसका बच्चा गोद में है, और वो है पाकिस्तान का सिपाही। ये इधर मत आइयो भाई। नहीं ये कहीं, ये तो नहीं घर के झगड़े तो नहीं है ये? अच्छा ये घर के। अच्छा ये बेटा है, वो घर वाली है, वो उसका बेटा है, वो मर्द है। बेचारा मर्द की कोई औकात ही नहीं है, बंदरों में भी कोई औकात दी है। देखो क्यों पड़ रहा है इनके घर के झगड़ों में। चलो भाई इनके आपसी मैटर है, खुद सुलझा लेंगे। सो गाइस हमें जाना था थोड़ा पहाड़ के ऊपर साइड घूमने के लिए, बट हमारे दो भक्त मंदिर के अंदर गए हैं और अभी तक वो बाहर आने का नाम नहीं ले रहे। पता नहीं कब वो बाहर आएंगे और कब हम यहाँ से निकलेंगे, तो फिलहाल हम उनका वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे चारों तरफ बस आपको बंदर ही बंदर दिखेंगे, आप देख सकते हैं चारों तरफ। ऐसा लगता है कि सारे बंदरों को किसी ने पकड़ के यहीं पे छोड़ दिया हो। सो गाइस मैं सोच रहा हूँ इनकी एक फ़ोटो क्लिक करने का, बट डर भी लग रहा है ये कहीं मेरी तरफ झपट्टा ना मार दे, क्योंकि इसके गोद में बेबी है ना, तो इस टाइम पे ये ज़्यादा। माफ़ कर दे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। बहन है तेरी? अच्छा बहन है। कोई बात नहीं, मैं नहीं हूँ। गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गया, छोड़ो। वेलकम। सो गाइस चलते हैं अभी हम वापस, बट हमें वहाँ जाने के लिए इन सब से गुजरना पड़ेगा। बस ये दूर दूर रहे, अपने काम से मतलब रखे बस। को लेके जाओ प्रियंका, तू उनकी प्रजाति के, तेरी तू उनकी भाषा समझ जाएगी, उनसे बात कर। तो ये देखो सामने रास्ते रोक के खड़ा है ये बेटा, हटेगा पिटेगा ये बता, पिट जाएगा बेटा इससे। हम ठहरे फकीर इंसान। ये देखो यहाँ से निकला था मैं, फिर यहीं से जाना पड़ेगा। करने वाला भी है नहीं। अरे तू तो निकल जाएगा। नाती कहाँ निकलेगा?
आइए आती महाराज। मैं तो आराम से निकल, नहीं ये वाला नहीं निकलेंगे बालक, ये वाला सही था। अच्छा तब मतलब बड़े से निकल के जाना। हाँ ये वाला सही है, अब यहाँ से आएगा ना आती। नीचे से यार हाँ फंस गया, अब फंसा नहीं है क्या तू? है चलो बेटा नीचे। प्रियंका तेरी प्रजाति को बाय कर ले। हेलो मेरा बड़े भाई, जो जो थक गया उसको सीधा यहीं से नीचे गिरा दिया जाए, लुढ़कते हुए नीचे पहुंचेगा सीधा। ये देखो यहाँ भी भाई हरकत, तू मत गिर। ये देखो लग टावर, तो टावर तक को नहीं छोड़ा होता। नहीं तू ऐसे मत गिरना, बुलडोजर चलेगा ना तो। ये देखो खंभे पर भी मतलब मन्नत है, कहीं भी कहीं भी मन्नत है। जल्दी आ जाओ बेटा, पता नहीं खाली मिले प्यार चल रहा है। सो गाइस यहाँ पे हम लोग चल नहीं रहे हैं, बट अपने आप हमें कोई शक्ति अपनी तरफ खींच रहा है। और गोली की स्पीड में नीचे पहुँचते हुए हम लग गए। बस गिरना मत बेटा, फिर नीचे नीचे ही मिलेगा फिर एक एक बार। मैं शादीशुदा नहीं हूँ ना, शादी देखो ना, दो चार का बर्बाद करूँ। सही है, यहाँ से डेली चढ़ेगा डेली उतरेगा, पेट अंदर सिक्स पैक बाहर। मेरा बाहर है ना, मेरा तो अंदर ही है। मेरा भी सिक्स पैक बन गया भाई अब। हाँ पता है। यहाँ से भर के ले जाओ मकान बनाने के लिए। भाई तो घर बनाने के लिए ही से ले जाना चाहिए था ना। अपना सा तू लगा कैसे मैं करूं बयां तुमसे, ये जुनून है या गुमान। वैसे मुझे तुम मिले, तुम मिले जैसे कोई दिन के दिन खिले। चले कहां चले तुम चले, सो गाइस अभी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 3 o'clock और हम लोग फिलहाल मेरे कालीनगर वाले घर पहुंच गए हैं। और फिलहाल यही पे बन रहा है हमारे लिए डिनर, डिनर बोलो या लंच बोलो, बिकॉज हमने मॉर्निंग से अभी तक लंच भी नहीं किया है। तो यही पे तैयारी चल रही है हमारे डिनर की। आई थिंक चिकन बनेगा, आप देख सकते हैं पीछे मामी भाई बहन सब बैठे हैं। सो फिलहाल यहीं पर डिनर करेंगे, देन उसके बाद मैं घर जाऊंगा। तो करता हूँ मैं 1 घंटे वेट जब तक खाना बनता है, फिर देखते हैं क्या करते हैं। हे गाइस गुड इवनिंग, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड अभी टाइम हो रहा है 8:08 एंड आज स्कूल से घर आने के बाद से मेरी तबीयत हो गई थी थोड़ी सी ख़राब, मुझे लग गया था खतरनाक वाला कोल्ड। तो क्लासेस भी बड़ी बड़ी मुश्किल से ली मैंने, तो इसलिए मैंने कोई ब्लॉगिंग आज नहीं करी। और इसीलिए जब मैं कल का ब्लॉग एडिट कर रहा था तो मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि आज आप उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं आज के ब्लॉग में आपको दिखा सकूं। एंड आज का कोई ऐसा स्पेशल ब्लॉग नहीं है, कल ही ब्लॉग करूँगा मैं अब। सो आज कुछ नहीं है, तो करता हूँ इस ब्लॉग को मैं एंड यहीं पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक स्पेशल ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।